नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैथ्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन वाघ एकेडमी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जयपुर से हमारे एक पेरेंट है, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं 6th एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इस टॉपिक पे हम ज्योमेट्री का जो बेस है या ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ज्योमेट्री धीरे धीरे वास्ट होते जाएगा और उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। वैसे ज्योमेट्री डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स वी डील विद नंबर्स, एंड इन ज्योमेट्री वी डील विद पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री जो शब्द है वो जियोमेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मीनिंग है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। मीन्स कलेक्टिवली उसका जो अर्थ हुआ वो हुआ अर्थ का मेजरमेंट। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो एंशियंट टाइम में जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। आप इजिप्ट के पिरामिड देखिए, या आप इंडिया के साउथ इंडियन टेम्पल्स देखिए, या ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन है, चाहे कि आप पिसा की मीनार देखिए या आप ताजमहल देखिए। तो आप जैसे जैसे पुराने समय में जाएंगे आपको पता चलेगा कि उस समय के जो लोग थे उनका ज्योमेट्री बहुत अच्छा था, और उसी के कारण उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, और उस लेवल तक उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन को किया। आज जो हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का जो बेस है वो ज्योमेट्री के ऊपर है। आज के समय में अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो बुर्ज खलीफा जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, और ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि हमारा ज्योमेट्री अच्छा है। इंजीनियरिंग का जो बेस है वो पूरा पूरा ज्योमेट्री है। जो कोई भी इंजीनियर, अगर कोई मकान आप बनाते हैं तो उस मकान का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और उसके बाद में आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो जो एक रफ डायग्राम होता है उस डायग्राम के हिसाब से उसमें मेजरमेंट दिए जाते हैं कि आपका रूम कितना बड़ा होना चाहिए, आपके पिलर्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कितना वेट ले सकते हैं, सारी चीजें। तो बहुत सारा जो बेसिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो ज्योमेट्री के कारण बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी बेसिक चीजें, ज्योमेट्री की जो सारी बेसिक चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री, हम चारों तरफ ज्योमेट्री से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती है वो सारी ज्योमेट्री से के ही शेप से। अगर आप किसी पेन को देखें, पेंसिल को देखें, स्केल को देखें, बॉक्स को देखें, या कोई आपका स्टील का डिब्बा होगा वो देखिए, सारी तरफ आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। सिर्फ देखने का आप नजरिया बदलिए, आपको चारों तरफ ज्योमेट्री नजर आएगी। आप जिस रूम में खड़े हैं या जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबॉइड शेप में है, तो वो भी ज्योमेट्री में ही आता है। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसका पहला पॉइंट, और उसका जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ही है। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज मेड बाय शार्प टिप ऑफ पेंसिल। ओके, इट डजंट हैव एनी एरिया, इट इज इनविजिबली टाइनी डॉट, एंड वी कैन नेम द पॉइंट बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। लाइक सपोज आई एम हैविंग दीज थ्री पॉइंट्स, और हम पॉइंट का नाम क्यों देते हैं? व्हाई वी गिव द नेम टू द पॉइंट? बिकॉज हम उसको पहचान पाए। जिस तरह से हमारे नाम होते हैं उसी तरह से जो मैंने ये इनविजिबली टाइनी डॉट्स बना के रखे हैं इनके क्या नाम है। तो सपोज आई गिव नेम ए, हियर पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, इट इज पॉइंट सी। ओके, तो ये जो है ये पॉइंट है। आप अगर पॉइंट का बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप क्लियर नाइट में आप स्काई देखिए, आपको बहुत सारे तारे नजर आएंगे, और वो जो बहुत सारे जो तारे हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, और हम जितने भी शेप्स बनाते हैं वो पर्टिकुलरली उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके ही शेप्स बनते हैं। आप अगर स्काई में भी देखें तो कुछ स्टार्स को आप अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग शेप्स नजर आएंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज मेड बाय शार्प टिप ऑफ पेंसिल, इट इज इनविजिबली टाइनी डॉट, ओके, एंड इट इज नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए, मैं यहां पर एक एंगल बनाता हूं, और इस एंगल में मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर,
पॉइंट एस, पॉइंट जे, पॉइंट के। तो यहां आपको अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो इस एंगल के बीच में है, कुछ पॉइंट्स जो है वो बाहर है। ओके, पॉइंट पी और क्यू जो है वो दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये रूलर है, तो रूलर का ये जो एज है ये लाइन सेगमेंट है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसका ये जो एज है, दिस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट एंड दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मिलता कब है? जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सपोज आई एम हैविंग दीज टू पॉइंट्स, ओके, तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं, तो हमें जो मिलेगा शेप ये है लाइन सेगमेंट। यहां पर ये पॉइंट ए है, यहां ये पॉइंट बी है। एक्चुअली लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट का अगर आपको आइडिया लेना है तो आप अगर एक धागे को आप स्ट्रेट खींच के रखें तो आपको वो लाइन सेगमेंट का शेप देता है। जो भी चीजें आपके चारों ओर हैं, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, चाहे वो बॉक्स हो, आप अगर उनके एजेस को देखें तो वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इवन आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल का जो स्क्रीन है वो भी जो एक साइड का जो उसका एज है तो वो भी लाइन सेगमेंट ही बताता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट को देखकर हमें एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी है हम वो पता कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। और लाइन सेगमेंट बनता कैसे है? अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दे, बहुत सारे पॉइंट्स मतलब यहाँ ए से लेके बी तक के क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, और उनको एक लाइन में अरेंज करके कर दिया स्ट्रेट वे में, ओके, तो वो लाइन बनाते हैं। लाइन सेगमेंट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास ही आप रोज देखते हैं, जब आप प्रेयर के लिए ग्राउंड पर जाते हैं तो यू स्टैंड इन अ लाइन। तो आप देखिए जो पहला बच्चा खड़ा है वो पहला पॉइंट है और जो आखिरी बच्चा खड़ा है वो आखिरी पॉइंट है, और उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन आपकी क्लास के जो बच्चे खड़े हैं आप उनको मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में कितने, एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स हैं, यू कैन नॉट मेजर दैट। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट मतलब जो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट की कुछ बातें महत्व की है। नंबर वन, दैट इज लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट एंड दैट इज वाई वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब आप देखिए इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं। इसमें एक लाइन सेगमेंट ए सी है, दूसरा लाइन सेगमेंट सी ई है, तीसरा लाइन सेगमेंट बी ई है, चौथा लाइन सेगमेंट सी डी है, और पांचवा जो है वो बी सी है। तो अब बात आती है कि सर, जिस तरह से आपने बताया कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं, तो लाइन सेगमेंट को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मुझे इस लाइन सेगमेंट ए सी का नाम लिखना है, तो मैं जो इसके एंड पॉइंट्स है मैं एंड पॉइंट्स एक साथ लिख लूंगा कैपिटल में, ओके, और उनके ऊपर एक ऐसी लाइन खींच दूंगा। सो इन दिस वे वी कैन नेम दी लाइन सेगमेंट। कुछ बुक्स में, वैसे आपकी बुक में वो लिखा नहीं है, कुछ बुक में इस तरह भी यूज करते हैं कि सेगमेंट ए सी। एक बार ध्यान रखिए, आप ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, बात एक ही है, ओके, आप ए सी इसे पढ़िए या सी ए पढ़िए, दोनों कंडीशन में वो वही लाइन सेगमेंट रहने वाला है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड इट इज नेम्ड बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर्स एंड वी राइट देम टुगेदर। ओके, तो जो भी होगी उसके एंड पॉइंट्स जो भी होंगे हम उनको साथ में लिख लेंगे। अब आपसे अगर कहा जाए कि यहां पर कितने लाइन सेगमेंट है, उन सबके नाम लिखिए, तो पहले मैं लिख लेता हूं एसी, हालांकि मैं एसी लिख चुका हूं, फिर दूसरा है सीई, सीई लिखिए, फिर तीसरा है बीई, बीई लिखिए, फिर चौथा है बीसी, बीसी भी लिखिए, फिर उसके बाद में है सीडी, तो ये सीडी। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन सेगमेंट एक और बात, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट होता है। अब अगर आपके दिमाग में आया कि सर यहां सी है और यहां डी है और मैं ऐसे इनको ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो सर ये भी लाइन सेगमेंट है क्या? नो, जो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस होगा और जो स्ट्रेट होगा वही लाइन सेगमेंट होता है, बाकी ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके, मतलब क्या कि धागा अगर आप स्ट्रेट पकड़े तो ही वो लाइन सेगमेंट होगा, अदरवाइज वो लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट है। अभी देखिए मैं आपको लाइन की डेफिनेशन इसमें क्लियर करूंगा, उसके बाद में तीनों कलेक्टिवली जो लाइन रे और लाइन सेगमेंट इन सबको बताने वाला हूं। अभी जिस तरह से हमने पॉइंट और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखी, पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे लाइन क्या होता है, फिर उसके बाद में रे क्या होता है, और फिर तीनों को कलेक्टिवली हम पढ़ेंगे, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन क्या होती है? अगर आप कोई लाइन सेगमेंट आपके पास में है और उस लाइन सेगमेंट को
आप इनफाइनेटली आगे बढ़ा देते हैं। मतलब क्या कि सपोज मेरे पास में एक ये जो लाइन थी, ये लाइन सपोज बीसी थी, हमें पता है, हमें इसका नाम लिख के रखा था कि ये लाइन लाइन सेगमेंट बीसी है। अगर मैं इस बीसी को बी को आगे एक्सटेंड कर दूं और एरो लगा दूं, और ये एरो ये बताएगा कि ये इनफाइनेटली आगे जा रही है, और अगर मैं सी को भी इस साइड आगे बढ़ा दूं और इसको भी मैं एरो लगा दूं, तो ये जो शेप हमें मिल रहा है, ये है, ये जो फिगर हमें मिला है वो है लाइन। ओके, अब आप कहेंगे सर फिर क्या हम लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो एरो बता रहा है ये इनफाइनेटली दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। सही मायने में हम लाइन को ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो एरो ये बता रहा है ये इनफाइनेट इस साइड भी जा रहा है और इनफाइनेटली इस साइड भी जा रहा है, तो ये दोनों साइड में बढ़ते जा रहा है। ओके, तो हम जो बनाते हैं बोर्ड के ऊपर, मैंने जो ये बना के रखा है, इट्स अ सिंबल ऑफ लाइन। ये लाइन एक्चुअल लाइन नहीं है, हम आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ बढ़ते जाना है आगे लेके। ठीक है, तो फिर अब बात आती है कि यहां पर आपको एंड पॉइंट दिखते हैं? नो, दीज आर नॉट द एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं क्योंकि उसके आगे कोई पॉइंट नहीं होता। यहां पर कोई एंड पॉइंट नहीं है, देयर इज नो एंड पॉइंट। अगली बार इसको लिखते समय आपको लिखना होगा बीसी के ऊपर आपको इस तरह से एरो लगाना होगा दोनों साइड, इट मींस ये लाइन बीसी है। ओके, या आप उसे सीबी भी कह सकते हैं, ये लाइन सीबी है। ओके, तो इस तरह से उसको नाम कर देते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखते हैं कि लाइन बीसी, तो ये अलग अलग पैटर्न लिखने के, वैसे हमारी बुक में उसको इस तरह से लिख के रखा है। तो लाइन जो है, हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनी एंड पॉइंट। ओके, अब देखिए, अब हम रे देखते हैं कि रे क्या है। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। मतलब क्या कि जैसे मेरे सामने लाइन सीबी है, तो अगर मैं यहां से ये एरो वाला पार्ट इरेज कर दूं और जहां पर पॉइंट सी है वहां तक मैं उसको इरेज कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो मिलेगा वो मिलेगी रे सीबी। ये है रे सीबी। अब रे सीबी में क्या है? रे में एक एंड पॉइंट होता है जो जो कि हमें दिख रहा है। ओके, और वो एंड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये जो बी पॉइंट है ये इनफाइनेटली कहीं पर दूर है। ओके, तो इसको रे, रे की डेफिनेशन क्या होगी कि रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज वन एंड पॉइंट विच वी कॉल इनिशियल पॉइंट, एंड वी कैन नेम बाय दिस वे और वी कैन नेम बाय दिस वे। सीबी के ऊपर आप ऐसा एरो लगाइए। देखिए, जो सेगमेंट था हम सेगमेंट को ऐसे लिखते थे, लाइन सेगमेंट को, लाइन को हम ऐसे लिखते थे दोनों साइड एरो लगा के, और रे को हम लिखते हैं सीबी। ओके, एक और बात ध्यान रखिए, हम बीसी को यहां पर जो सीबी था हम उसको बीसी लिख सकते थे, हम जो लाइन सीबी थी हम उसको बीसी भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन इसको हम बीसी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए, यहां सी जो है इसमें सी इनिशियल पॉइंट है और बी इनफाइनाइट पर है। अगर आपने इसको देखा तो इसमें बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो फिर इसका फिगर कैसे आएगा? इसका फिगर ऐसे आएगा कि इस साइड बी और यहां कहीं पर सी। ये फर्क होता है इसके शेप में, और इसके कारण हम रे को इस तरह से नहीं लिख सकते। अब एक काम करते हैं, हम तीनों की जो डेफिनेशन है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों की डेफिनेशन को कलेक्टिवली देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए, मैंने यहां पर तीनों लिख के रखे हैं। अब हम तीनों की डेफिनेशन हम लिखते जाते हैं और तीनों के सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। आपका लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो में। तो पहला पॉइंट जो है इसका, लाइन का, लाइन गोज इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले यहां पर इनके शेप्स ऊपर बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिलते रहे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बना लूं एक लाइन, ठीक है, लाइन ए बी, ये जो है ये सेगमेंट ए बी, और ये जो है ये रे ए बी। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, लाइन गोज इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस, इसका सेकंड पॉइंट है, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। लाइन जो होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये हमें पता है। देखिए, यहां पर कोई एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तीसरा, अब इसका एंड पॉइंट नहीं है तो क्या हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो लिखिए यहां, वी कैन नॉट मेजर the length of line। ओके,
एंड वी नेम लाइन ए बी लाइक ए बी। ओके, तो ये हो गई लाइन की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। हमें क्लियरली दिखता है कि अगर हम इसमें से कुछ पार्ट को कट कर लें तो हमें मिलेगा लाइन सेगमेंट। तो पहला पॉइंट लिखिए, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेकंड पॉइंट इसका देखिए, इसका सेकंड पॉइंट कैसा, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। यहां पर एंड पॉइंट है, यहां पर दो एंड पॉइंट है। यहां लिखिए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स और तीसरा पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। लाइन की हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट में क्या है, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बिकॉज वी हैव टू एंड पॉइंट्स। ओके, यहां लिखिए वी कैन मेजर the length of line segment। और आखिरी का पॉइंट क्या है कि हम लाइन सेगमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट लाइन सेगमेंट, वी राइट लाइक दिस ए बी और सेगमेंट ए बी। आप इसे बी ए भी लिख सकते हैं या आप इसे सेगमेंट बी ए भी लिख सकते हैं। हालांकि हमारी बुक में सिर्फ यही पैटर्न दिया है लिखने का, आप कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा। इवन लाइन को हमारी बुक में इस तरह से लिखने का कहा है, जबकि कुछ बुक्स में उसे लाइन ए बी ऐसा भी दिया है। ओके, और आप ए बी बोलिए बी ए बोलिए बात ही कीजिए। अब बात करते हैं रे की। रे क्या है, रे का सीधा सीधा आइडिया हमको मिलता है टॉर्च से। जब हम टॉर्च स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट से लाइट स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। ओके, मतलब क्या कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से लाइट कहां तक जा रहा है वी डोंट नो। सन रेज हम तक पहुंच रही है, ट्यूबलाइट की राइट हमारे तक पहुंच रही है, जो वो सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेजर लाइट उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप देखें तो लेजर लाइट आप जब स्टार्ट करते हो यहां से शुरू होता है, वो इनफाइनाइटली कहां तक जाता है। आप सामने अगर कोई वॉल आ गई तो वहां तक रुक जाएगा, लेकिन अगर आप स्काई में करें तो वो फिर इट विल गो इनफाइनाइटली। इवन जो सनरेज है, सनरेज इनफाइनाइटली आती है। देखिए सन कहां है, हम कहां है, लेकिन वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहां है और वो हम तक पहुंच रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां की रुक जा रही है, अर्थ के आगे भी वो रेज जा रही है। ओके, अब देखिए रे, तो रे को हम कैसे लिखेंगे कि रे का पहला पॉइंट, देखिए इसका पहला पॉइंट था लाइन गोज इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, और इसका पहला पॉइंट है लाइन इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो रे भी जो है वो भी है पार्ट ऑफ लाइन। तो आप इसको लिखिए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो रे होती है वो लाइन का पार्ट होती है। अगला इसका सेकंड पॉइंट है, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। यहां पर देखिए रे का क्या होता है, रे हैज वन एंड पॉइंट, ओके, विच वी कॉल इनिशियल पॉइंट, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसका इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए। ए जो है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ओके, ध्यान रखिए। आगे थर्ड पॉइंट क्या देख रखा है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। लाइन की जो लेंथ होती है हम क्यों नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज उसके एंड पॉइंट नहीं होते। यहां अगर देखें लाइन में, लाइन सेगमेंट में, तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट एंड दैट इज व्हाई वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लेकिन यहां पर एक एंड पॉइंट होता है जिसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और दूसरा पॉइंट कहां तक जा रहा है हमें पता नहीं। तो जब तक हमें पता नहीं हमें कहां तक जाना है, हमारा धागा कितना लंबा हमें लेना है, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम उसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो रे भी जो है हम रे की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो लिखिए यहां वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे। और आखिरी पॉइंट है जो हम इसको नाम देते हैं, वी नेम बाय लाइक रे ए बी, और ए बी लिखकर आप उसके ऊपर एरो लगा लीजिए इस तरह से। थोड़ा मैं तरीके से लिख लूं उसको थोड़ा। तो इस तरह से लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों का कलेक्टिवली मैंने यहां पर इसलिए लिखा है ताकि आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें, आपको वो क्लियरली समझ में आए। तो आई होप आपको ये अभी तक क्लियरली समझा होगा। इसका जो इसके बाद जो आगे का पॉइंट है वो है पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वो अब हम देखते हैं। व्हेन टू लाइंस
हैव वन कॉमन पॉइंट इन देम, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो पॉइंट है दोनों में कॉमन है, देखिए ओ जो है वो ए बी पर भी है और ओ जो है वो सी डी पर भी है। तो डेफिनेशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, व्हेन टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट इन देम दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड फिर पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन टू लाइंस डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट इन देम दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब पहले हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ है। अगर आप देखिए जो दो रोड होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। इवन आप अगर देखिए इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इवन जो एच है वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे सर यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए ये जो लाइन है इसमें और इसमें ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ ये कॉमन पॉइंट है, मतलब क्या ये जो एज है ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल, ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन इस तरह से है कि व्हेन टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट इन देम दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है पॉइंट ओ उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कहेंगे, ओके। और उसके एक तरह से और दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। फिर बात आती है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस की भी दो तरह से डेफिनेशन है, व्हेन टू लाइंस डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट इन देम दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और यू कैन से दैट व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से उसकी डेफिनेशंस है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। पैरेलल लाइन तो बहुत बढ़िया है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल आपके चारों तरफ है। रेलवे का जो ट्रैक है वो दोनों चीजें बताता है, वो पैरेलल लाइंस भी बताता है, और अगर रेलवे का ट्रैक कहीं पर टर्न लेता है तो वहां कोई दूसरा ट्रैक बीच में आता है तो ये जो रेलवे ट्रैक भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इवन रोड भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो रोड की भी जो एजेस होती है वो आप देखिए वो पैरेलल होती है और आगे आने वाला जो दूसरा रोड होगा वो उसको इंटरसेक्ट कर देगा, ओके। तो दोनों चीजें रोड पर आपको पैरेलल लाइंस भी समझ में आएगी और इंटरसेक्टिंग लाइन भी समझ में आएगी, और आपके घर में जो जितना भी मतलब दरवाजे खिड़कियां हो वो भी वो पैरेलल लाइन भी बताते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी बताते हैं। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये यहीं पर आपको एग्जाम्पल आपके चारों तरफ ही होते हैं, आपको वहीं से सर्च करना होता है, ओके। अब हम आते हैं हमारी जो बुक में पेज नंबर 72 पर डू दिस में कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं। वो क्या बता रहा है, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। टू लाइंस जो होते हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, नो नॉट पॉसिबल। टू लाइंस जो होती है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये देखिए अब ए और बी ये दोनों इस डायरेक्शन में बढ़ रही है वापस नहीं आएगी, वैसे सी और डी ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है वापस नहीं आएगी, ओके। सो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट, ये बात ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखे रखा है कि कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट, यस। मोर देन टू नहीं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से अगर कहते हैं तो एक पॉइंट से देखिए कितनी लाइंस जाती है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, इननुमरेबल लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ओके। और अगर आपको कहा कि फिर दो पॉइंट से कितनी लाइन जाएगी, अगर दो पॉइंट से जाने की बात है तो दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, दो पॉइंट से ज्यादा लाइन जाएगी नहीं, कीप दिस इन माइंड, ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में आई थिंक। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और उसके बाद आज का ये वीडियो एंड होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। मैंने इसके 3 जो क्वेश्चंस हैं उनके डायग्राम्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 जो है वो क्वेश्चन 1 हमें बताता है यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। आपको इसके 5 पॉइंट्स बताना है, ओके। पहला जो क्वेश्चन है पहले में ए 5 पॉइंट आप क्या बताएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट डी। आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको 5 पॉइंट्स के नाम लिखना है, लाइक पॉइंट ओ मैं एक लिख के देता हूँ, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये दो लिख दिए। आपको आगे के पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है, तो बहुत सिंपल है ये, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, अ लाइन। इसमें लाइन कौन सी, देखिए आप लाइन बी डी लिखिए, लाइन सी बी ई लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए बी डी, लाइन बी डी, ओके। तो इस तरह से इसको नाम लेना है। आगे देखिए रखा है 4 रेस, देखिए एक तो है ओ सी, रे ओ सी, रे ओ बी, रे ओ ई या रे ओ डी, ओके। इसके तीनों क्वेश्चन है उसमें, देखिए ओ सी, ओ बी, ओ ई और ओ डी, या आप चाहे तो ई बी भी लिख सकते हैं, आप डी बी भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर आप किस तरह से इसको लिखना चाहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए रखा है 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए ओ सी भी लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी लाइन सेगमेंट है, ओ ई भी लाइन सेगमेंट है, ओ डी ई भी लाइन सेगमेंट है और ये
डीओबी लाइन सेगमेंट है और ईबीवी लाइन सेगमेंट है, तो इस तरह से इसके नाम आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखे रखा, क्वेश्चन टू, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली वन लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। आपको इसके 12 नाम लिखना है, 12 लाइंस इसमें देखना है। तो 12 लाइंस कैसे लिखोगे आप ए बी लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, सी ए लिख सकते हो। ओके, तो आपको इस तरह से उसके नाम पूरे के पूरे लिखना है, कोई बहुत ये ऐसा मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, नाम आपको सर्च करना है उसमें। अगला क्वेश्चन देखे रखा, थर्ड क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम, इसमें ये फिगर से आपको नेम लिखना है, क्या लिखना है देखिए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई किस लाइन के ऊपर, देखिए इस लाइन के ऊपर है, ये भी आई सॉरी ये भी एरो है यहाँ पर, देखिए लाइन ई कहाँ पर है, ई एफ के ऊपर है और ए के ऊपर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो पॉइंट ई किस पर है, लाइन ई एफ और लाइन ए, एक्सक्यूज मी। अगला पॉइंट है लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से जाने वाली लाइन, लाइन ए, लाइन ए इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, देन लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कहां पर है यहां पर, ये यहां ओ है, तो किस लाइन के ऊपर है, ऑन लाइन बी सी ओ लाइज। ओके, एंड टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आप ए और सी बी ले लीजिए या फिर आप ए और ई एफ ले लीजिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, यहाँ पैरेलल लाइन तो नहीं है, बिल्कुल ये दो ही है इंटरसेक्टिंग कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, ए देख रखा है वन गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट से इन्फाइनेटली मेनी लाइंस पास होती है। और सेकंड पॉइंट देख रखा है टू गिवन पॉइंट्स, फॉर टू गिवन पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन उसमें से जाएगी। ओके, आगे जो देख रखा है ड्रॉ करने के लिए है और आगे कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देख रखे, आपको ट्रू फॉल्स करना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है, आई होप आपको ये अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना ये, सॉरी फॉर दैट, पर आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।